हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायामैग्नेटिक मटेरियल, बी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सी पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायामैग्नेटिक मटेरियल, डी पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा। क्यूरी टेम्परेचर, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो हमें पता है कि उनकी जो अरेंजमेंट्स होती है डोमेन की वो ऑर्डर में होती है और सब पैरेलल लाइंस होती है इन द सेम डायरेक्शन। सो इसके अक्रॉस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ाते जाने पर एक वो टेम्परेचर आएगा जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है एंड इसका डोमेन्स रैंडमली अरेंज हो जाता है जिसकी कोई ऑर्डर नहीं होती है। सो ये होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।